नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स, उनके आर्टिकल्स, उनका एनालिसिस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारी चीजें शेयर करते हैं, बढ़िया आर्टिकल शेयर करते हैं जो हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे चीजें जो आपकी लाइफ पे जरूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालने वाली है, वैसी आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। बिटकॉइन रैली फ्यूल्स रिवाइवल होप फॉर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस। बिटकॉइन में रैली आई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है बिटकॉइन ने। अगर आप देखें 69,000 का ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, और इसकी वजह से इंडिया में जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब जहां पे बिटकॉइन को खरीदा जाता है बेचा जाता है और भी ऑल्ट कॉइन्स को खरीदा जाता है बेचा जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एससी। सबसे पहला रीजन बताया जा रहा है एससी, ठीक है। एससी क्या होती है? जैसे इंडिया में सेबी है, अभी देखिए इंडिया में सेबी है हमारी रेगुलेटर, वैसे ही यूएस में एससी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन्होंने क्या किया, अभी एक ईटीएफ था, ठीक है, पेंडिंग अप्रूवल के लिए। ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ। आप देखिए सर्च करेंगे तो इंडिया में आप गोल्ड का ईटीएफ ले सकते हैं, बेसिकली गोल्ड के इक्विवेलेंट आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से। सिल्वर का ईटीएफ है, उसके बाद निफ्टी का ईटीएफ है, बहुत सारे हैं। तो वैसे ही एक बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्रूवल डाला गया था, ठीक है, परमिशन के लिए, एंड वो अप्रूव हो चुका है। तो इससे क्या होगा, इससे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना बड़े बड़े, अब वो बिटकॉइन बाय करेंगे। अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे उनका ज्यादा यूफोरिया था, राइट, उनका इंटरेस्ट बहुत था, लेकिन अब बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनका वैल्यूएशन है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो भी यहां पर आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। सो इसी वजह से काफी इंटरेस्ट आया और बिटकॉइन ने अपना नया लाइफ हाई यहाँ पे बनाया है। तो इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी वॉल्यूम आ गए, इंडिया में भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस काफी डेड हो चुके थे। एक तो विंटर आ गया था क्रिप्टो के मार्केट में, राइट, बिटकॉइन 12,000 तक चला गया था ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद आप देखेंगे इंडिया में नए टैक्स लॉस भी आ गए, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन पे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यू नो इसे प्रमोट नहीं करना चाहती है। तो इसके वजह से क्या हुआ, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में। अगर आप देखें यू नो सेट ऑफ नहीं मिल रहा है आपको अच्छे से पूरा, उसके बाद टैक्सेस भी आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, टीडीएस पे कर रहे हैं। सो अब वापस से लेकिन लोगों का इंटरेस्ट आया है, ऐसे एक्सचेंजेस का कहना है। कहीं कहीं पे कॉइन D6 में 5 गुना वॉल्यूम बढ़ चुका है, 5x हो चुका है अभी वॉल्यूम, $5 million से $25 million का हो चुका है फरवरी के महीने में यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर हमने देखा क्या था, प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर था ईटीएफ फंड, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रोथ ड्राइवर रहा है, ठीक है, प्राइस को लेके अगर आप देखें, ये था हाल्विंग इवेंट। यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन में हर 4 साल पे ना एक हाल्विंग इवेंट होता है, जैसे 2012 में हुआ, 16 में हुआ, 20 में हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखें जैसे हाल्विंग इवेंट होता है ना, यहाँ पे इसके पहले भी रैली होती है, मतलब प्राइस बढ़ता है बिटकॉइन का, और उसके बाद भी बढ़ता है। हाल्विंग इवेंट में क्या होता है कि बिटकॉइन को माइन किया जाता है, ठीक है, और जो माइनर्स होते हैं ना हर 4 साल पे उनका जो रिवॉर्ड है वो आधा हो जाता है। तो जैसे अभी चल रहा है 6.2, ठीक है, तो 6.2 बिटकॉइन है माइनिंग रिवॉर्ड, अब ये घटके हो जाएगा 3.12। देखिए जैसे जैसे बिटकॉइन अब माइन किए जा रहे हैं वैसे इसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, राइट, क्योंकि अब देखिए 21 मिलियन बिटकॉइन है ओवरऑल, ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी क्वांटिटी लिमिटेड 21 मिलियंस पे है। इसके इसमें से भी, ठीक है, 19.64 ऑलरेडी माइन हो चुके हैं अभी, ठीक है, 19.64 माइन हो गए, तो अभी 19.64 मिलियन बिटकॉइन जो है इनमें से 4 मिलियन हमेशा के लिए जा चुके हैं, ठीक है, ये अब कभी नहीं मिलने वाले, ये खो चुके हैं, और 5 से 7 मिलियन ऑलरेडी लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में लॉक करके रखा हुआ है। तो इसके बाद आप देखिए कि जो एग्जिस्टिंग है इसमें आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए हैं बाय करने, राइट, ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मूव करते हैं, राइट, मिलियंस में वो काम भी नहीं करते। सो जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट वापस इतना इसीलिए आया बिटकॉइन में, एंड हमें इतनी बढ़िया मूवमेंट भी इसीलिए देखने को मिल रही है यहाँ पे। आते हैं अगले आर्टिकल पे, इन्वेस्टर्स फ्ली एनबीएफसीज एज आरबीआई वाइडंस क्रैकडाउन। एनबीएफसीज जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एनबीएफसीज होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो फाइनेंशियल कंपनी वो हो गई जो आपको लोन्स दे रही है, फाइनेंस कर रही है, ठीक है, दे आर फाइनेंस कंपनीज। लेकिन नॉन बैंकिंग का मतलब जो बैंकिंग की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही, जैसे कि डिपॉजिट लेना, विड्रॉल देना, मतलब इस तरीके से जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, और भी ये सर्विसेज एनबीएफसी नहीं देती, वो सिर्फ लोन देती है। अब यहाँ पे आरबीआई ने ना कुछ क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है कुछ एनबीएफसीज पे, जैसे रिसेंटली न्यूज में आए हैं 3, ठीक है, एक तो है जेएम फाइनेंस, ठीक है, इसके अलावा आप देखिए पेटीएम का पेमेंट बैंक, ठीक है, राइट, और इसके अलावा IIFL। यहाँ पे आरबीआई ने कुछ, आप कहेंगे कि कुछ कंसर्न्स रेज किए, आरबीआई को कंसर्न्स हैं ये कि यहाँ पे ना प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं इन तीनों जगहों पर। तो अब इन्वेस्टर्स को क्या लगा, जब यहाँ पे नहीं हो रहा है
तो बाकी एनबीएफसीज में भी कुछ ना कुछ आरबीआई देखेगी। जब तीन का सर्च किया, तीन के पास कुछ गड़बड़ निकली, तो बाकी पे भी अच्छे से जांच करो, देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे होंगे। इन्हें लग रहा है, इन्वेस्टर्स मान के चल रहे हैं आरबीआई ऐसे सोच रही होगी। तो इन्होंने पहले अपना पैसा निकाला इनके स्टॉक से, और इनके स्टॉक से पैसा निकाल के बैंक्स में शिफ्ट कर दिया। तो आप देखिए कल निफ्टी बैंक, एक इंडेक्स है जो ट्रैक करता है बैंक्स को, टॉप बैंक स्टॉक्स को, कितना बढ़िया ऊपर था कल, राइट, क्योंकि पैसा यहां से वहां चला गया। तो यहाँ पे IIFL फाइनेंस, JM फाइनेंशियल और पेटीएम पेमेंट्स, इनकी हम बात करें कि इनके ऑपरेशन में बहुत सारे लैप्सेस हैं आरबीआई को ऐसा लग रहा है, ठीक है। और IIFL ने तो 20% का लोअर सर्किट भी हिट कर दिया है सेकेंड डे, ठीक है। इसके अलावा और इन पे बैन लग गया है कि आप गोल्ड लोन्स नहीं सैंक्शन करेंगे, ठीक है, बैन नहीं मैं कहूंगा, अभी टेम्पररी आरबीआई ने कहा कि आप गोल्ड लोन सैंक्शन करना बंद करो। यहाँ पे मटीरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स लग रही हैं, सुपरवाइजरी इश्यूज लग रही हैं आरबीआई को यहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए कि इन्वेस्टर्स को ये लगा कि ये जो कंसर्न्स हैं ये तो और बढ़ने हैं, तो आरबीआई सबको और ज्यादा टाइट करेगी, सबके ऊपर एक आप कह सकते हैं सर्विलेंस बिठाएगी कि देखो सारे ऑपरेशंस अच्छे से पॉसिबल हो रहे हैं, अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि देखिए ऐसा नहीं है कि एनबीएफसी बिजनेसेस हैं वो डाउन हो जाएंगे, कई लोगों का पैसा लगा हुआ है एनबीएफसीज में। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? शॉर्ट टर्म में यस गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में तो देखिए वापस से ये अपने पैर पे खड़े हो ही जाएंगे, लेकिन ये है कि ये जरूरी भी है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये ना करें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ा मार्केट में एक ड्रॉप आ सकता है अगर ये इस तरीके से काम करते रहे। तो ऐसा कोई ये भी नहीं है कि इनके कस्टमर सारे भाग जाएंगे, क्योंकि देखिए एनबीएफसी के पास यूजुअली वही लोग लोन लेने आ रहे हैं जिनको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं है कि इनके जो कस्टमर्स हैं अब कोई और ले लेगा, बैंक्स ले लेंगे, नहीं, बैंक्स ऑलरेडी उन्हें नहीं केटर कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल नीड्स को, तो इसीलिए ये यहाँ पे आ रहे हैं। एनबीएफसी बेसिकली देखिए लोन ऐसे देते हैं, एजुकेशन लोन हो गया, इसके अलावा एजुकेशन लोन के अलावा ऑटो लोन, कार लोन, बाइक लोन जो भी होती है ये सारी एनबीएफसी के थ्रू लोग ज्यादा लेते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे, फेड नीड्स मोर कॉन्फिडेंस ऑन इन्फ्लेशन टू कट रेट्स। पॉवेल, जेरोम पॉवेल, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई के चेयरमैन है शक्तिकांत दास जी, वैसे ही फेडरल रिजर्व है आरबीआई, यूएस का आरबीआई है, यूएसए का, और उसके चेयरपर्सन है जेरोम पॉवेल। इन्होंने कहा लॉ मेकर्स को, ठीक है, कि यूएस सेंट्रल बैंक किसी भी अड़बड़ी में नहीं है इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, जो लोन पे इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, जब तक कि उन्हें ये नहीं लगता कि इन्फ्लेशन, महंगाई के ऊपर इनकी जीत हासिल हो चुकी है। तो इन अ प्रिपेयर्ड टेस्टिमनी टू हाउस पैनल वेंसडे, इन्होंने, ठीक है, शपथ ये ऑन ओथ का है, ऑन टेस्टिमनी का है कि एक इट विल लाइकली टू बी अप्रोप्रिएट टू बिगिन लोअर बोरिंग कॉस्ट एट सम पॉइंट। इस साल किसी पॉइंट पे ये कम करना शुरू करेंगे इंटरेस्ट रेट, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, और पूरी दुनिया इसका वेट कर रही है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होने से काफी चेंजेस आ जाएंगे, आपके एजुकेशन लोन, आपके हाउसिंग लोन सस्ते हो जाएंगे, कंपनीज का कॉस्ट बहुत बड़ा होता है इंटरेस्ट पे, क्योंकि कंपनीज तो लोन पे काम करती है, राइट। अभी अडानी जी के ऊपर हिंडनबर्ग ने क्या रिपोर्ट निकाली कि उन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, ठीक है, ऑफ कोर्स लोन तो लिया हुआ ही है, बिजनेस कोई अपने पैसे से तो नहीं करेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ यूएस में तो इंडिया में भी होगा, एंड इससे क्या होगा, हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स और बढ़िया बढ़ेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स जिस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है वो तो पैसा कमाएंगे, वो तो बहुत खुश होंगे, जिन्होंने लोन लिया हुआ है वो बहुत खुश होंगे, हाउस लोन, एजुकेशन लोन, सबके इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए वहां की फेडरल रिजर्व ये कहना चाहती है कि अभी ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, ठीक है, ज्यादा बड़े एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिए, हो सकता है हम अभी अच्छा खासा वेट करें इससे पहले कि हम लोन के इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, ठीक है। इनका क्या है, इनका सबसे पहला गोल है इन्फ्लेशन को कम करना। एक सेंट्रल बैंक का रोल होता क्या है, वैसे भी अगर आप जाके कहीं रिसर्च करें सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है किसी भी कंट्री के, सबसे पहले एक रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक, इसीलिए सेंट्रल बैंक के पास पावर है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने और घटाने का, ताकि वो इन्फ्लेशन को कम कंट्रोल कर पाए। तो ये एक सेंट्रल बैंक का, जैसे आरबीआई, फेडरल रिजर्व, सबका एक प्राइमरी, आप कह सकते हैं इसके एग्जिस्टेंस का प्राइमरी गोल है, ठीक है। तो कमेटी एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि अभी अप्रोप्रिएट होगा कि हम रिड्यूस कर दे टारगेट रेंज, जब तक कि हमें ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि इन्फ्लेशन सस्टेनेबली मूव कर रहा है 2% तक, 2% का इनका टारगेट है इन्फ्लेशन का, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखें ट्रेजरी यील्ड्स वगैरह सेम है, ट्रेजरी यील्ड्स बेसिकली आप कह सकते हैं बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स है, ठीक है, उसकी आप बात कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं लोअर पे रहे हैं, ठीक है, ओवर द डे।
तो जब भी ये रिमार्क आया S&P 500 इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे भी गेन देखने को मिला। तो स्टॉक मार्केट और इसका रिलेशन फिलहाल ऐसा है कि स्टॉक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई रेट कट हो जाए, कट हो जाए, और ये मान ये फैक्टर्ड इन है कि इस साल होगा। तो अगर इस साल नहीं हुआ तो मार्केट बहुत नाराज हो सकता है, लेकिन अगर इस साल हो गया तो ये एक्सपेक्टेड कहा जाएगा कि तो एक्सपेक्टेड ही था और ये फैक्टर्ड इन है, मैं कहूंगा। ठीक है, यूएस के स्टॉक मार्केट में तो इस वक्त ये फैक्टर इन करके चल रहे हैं, जो प्राइस है वो ये मान के चल रहे हैं इस वक्त कि इस साल मल्टीपल रेट कट्स तो होने हैं, एक से भी शायद काम ना चले, एक से ज्यादा रेट कट्स होने चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले आर्टिकल पे। उत्तर प्रदेश स्टेट टू रेक इन 80,000 करोड़ वाया सोलर एनर्जी पुश। यहां पे आप देखें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एम्बिशियस टारगेट रखा है प्रोड्यूसिंग 22,000 मेगावाट थ्रू अ स्लू ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बाय 2027, अ मूव दैट इज एक्सपेक्टेड टू रेक इन इन्वेस्टमेंट्स टू द ट्यून ऑफ 80,000 करोड़। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा कि वो 22,000 मेगावाट प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से 2027 तक। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कितने आने की अट्रैक्ट करने की इनकी गोल है, 80,000 करोड़, विच इज अ रियली बिग अमाउंट फॉर अ स्टेट, राइट। एंड योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट प्लान कर रही है इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर प्लांट्स एंड सोलर पार्क्स टू अचीव दिस टारगेट। तो एमएसएमई सेक्टर इससे, यहाँ पे आप देखिए एमएसएमई हम कैसे कहते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो सेक्टर है ये हार्नेस करेगा 12,000 एकड़ विद इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और यहाँ पे नोटिफाइड हब्स होंगे सोलर एनर्जी जनरेशन के। तो यहाँ पे हब्स बनाना चाह रहे हैं कि सोलर एनर्जी का हमें पूरा फायदा उठाना है, 80,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लाना है, 2027 तक हमें 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो देखिए टेक्निकल चीजें हैं जो भी है कि ये जुरिसडिक्शन में आएगी यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के, यूपीएसआईडीए के, एंड प्रोसेस होगा जो ये रूफटॉप इंस्टॉलेशन का, ये शुरू हुआ है 15 इंडस्ट्रियल एरियाज में। 15 इंडस्ट्रियल एरियाज कौन कौन से हैं, जैसे कि कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑन एन एवरेज 4 करोड़ इन्वेस्ट हो रहे हैं टू क्रिएट अ मेगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी, जिस जो ट्रांसलेट होता है करीब 80,000 करोड़ में फॉर द टारगेट 22,000 मेगावाट इन यूपी, इनका ये कहना है। और ये है क्लीन एनर्जी, राइट। आप जो भी सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज अ क्लीन एनर्जी, यहाँ कोई आप पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, राइट, कोई फॉसिल नहीं बर्न कर रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। हमारे क्लीनर जो गोल्स हैं हमारे क्लीनर ट्रांजिशन के, उससे भी मैच होता है। सो वी इफ वी आर एबल टू डू दिस, ये काफी बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेविंग्स होगी एनर्जी कंजप्शन बिल्स में इंडस्ट्री की, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, राइट, और कंपिटेटिव भी होगा हमारा इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक नेट जीरो गोल है इंडिया का। नेट जीरो गोल क्या है, नेट जीरो एमिशंस का, नेट जीरो एमिशंस। तो यहाँ पे एमिशंस ऑफ कोर्स हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2100 मेगावाट 2100 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और बुंदेलखंड रीजन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है 60%। तो वी आर यू नो वी हैव टू बी वेरी कीन कि हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर पाती है, और कौन सी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे इनके साथ पार्टनरशिप कर पाए और इसे पूरी तरीके से इन टाइम, जो हमने गोल रखा है टाइम का, इन टाइम एग्जीक्यूट कर पाए। सो विल हैव टू वेट एंड वॉच, बट आई थिंक हम सबको ये न्यूज क्लोजली फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।